दोस्तों, आंखों की रोशनी कमजोर है तो आज इस वीडियो में जो नुस्खा हम बनाने जा रहे हैं वो इतना जबरदस्त नुस्खा है कि इसके यूज से हमेशा के लिए धुंधला दिखना भी सही हो जाता है और चश्मा भी उतर जाता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमको लेने हैं बादाम। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है, ये तो आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे। लेकिन इसके साथ साथ बादाम का एक फायदा ये भी मिलता है कि जिन लोगों को नजर कमजोर होने के कारण हमेशा सिर में दर्द भी रहता है वो भी इससे ठीक हो जाता है। अगर आपको कश्मीरी मामरा बादाम मिल जाए तो बेस्ट है, वरना फिर जो बादाम की वैरायटी आपको इजीली मिल जाए आप वही ले लीजिए। और ये लेना कितना है, तो इस नुस्खे में हमको लेना है सिर्फ 50 ग्राम बादाम। बहुत से लोगों को आंखों की रोशनी कम होने के कारण एक और प्रॉब्लम होती है कि जब वो लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो आंखों में दर्द होने लगता है। इस नुस्खे से ये प्रॉब्लम भी पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब आपको करना ये है कि ये 50 ग्राम बादाम आपको खरल या ओखली में डालकर इस तरह थोड़े कूट लेने हैं ताकि इनके टुकड़े हो जाए। बच्चे पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करें उसके लिए उनकी मेमोरी शार्प रहना जरूरी है। बादाम का यूज इस नुस्खे में करने से दिमाग भी तेज होता है, इसलिए ये एक एडिशनल बेनिफिट इस नुस्खे से आपको मिलेगा। अब ये बादाम मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लीजिए। बादाम एकदम साबुत नहीं पीसना चाहिए क्योंकि इससे मिक्सी का ब्लेड खराब हो जाता है। ये देखिए, ये बादाम का पाउडर बनकर तैयार है। तो अब बारी आती है दूसरी चीज की, ये है सौंफ। मोटी वाली हरी सौंफ जो अचार और सब्जी बनाने में यूज करते हैं। दोस्तों, सौंफ आंखों की रोशनी तो तेज करती ही है, साथ ही साथ जो बढ़ती एज के कारण आंखों की नसों में कमजोरी आने लगती है, मोतियाबिंद होने लगता है, सौंफ आपको आंखों की इन सभी बीमारियों से भी बचाए रखती है। इस नुस्खे में सौंफ हमको कितनी चाहिए, तो इस नुस्खे में सौंफ हमको लगेगी 50 ग्राम। जिन लोगों को अक्सर आंखों में लालिमा रहती है, आंखों के नीचे सूजन रहती है और आंखों में बहुत खुजली होती रहती है, उनके लिए तो ये नुस्खा वरदान साबित होने वाला है। अब आपको क्या करना है कि गैस पर एक फ्राई पैन रखना है और फिर ये 50 ग्राम सौंफ इस फ्राई पैन में डालनी है। इसको एकदम लो फ्लेम पर हमको सेकना है जिससे इसका नेचुरल ऑयल एक्टिवेट हो जाएगा और फिर इस नुस्खे की ताकत बढ़ जाएगी। बस ये सौंफ जब इस तरह हल्की सी गुलाबी भूरे से रंग की हो जाए तभी गैस बंद करके इसको एक प्लेट में निकालकर हम ठंडा होने देंगे। मतलब ये कि सौंफ की सिकाई हमको बहुत ज्यादा नहीं करनी है। जब सौंफ ठंडी हो जाए तो हम इसको मिक्सी में डालेंगे और इसको पीस कर इसका भी बारीक पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, ऐसा बढ़िया पाउडर सौंफ का आपको बना लेना है। अब जो अगली चीज इस नुस्खे में यूज होगी वो है मगज। दोस्तों, चरक संहिता में इस बात को बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि मगज यानी खरबूजे के बीज आंखों के लिए वरदान है, इसलिए इस नुस्खे में ये आप जरूर यूज करना, इसको स्किप मत करना। जिन लोगों को नजर कमजोर होने के साथ साथ आंखों से अक्सर पानी आने की शिकायत रहती है उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया चीज है। ये आपको कितने लेने हैं, बादाम और सौंफ की तरह ही ये आपको 50 ग्राम लेने हैं। जिन लोगों को नजर कमजोर होने के कारण तेजी से चलती हुई चीजें देखने पर चक्कर आने लगते हैं, जैसे सड़क पर फास्ट स्पीड में गाड़ियां चलती देखने पर या फिर ट्रेन में ट्रेवल करते हुए खिड़की से बाहर सब चीजें तेजी से भागती हुई दिखाई देती हैं, तो बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं क्योंकि उनकी आंखों की नसें कमजोर हो जाती हैं और फास्ट स्पीड के सीन देखते हुए नसें अपने आप को जल्दी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए भी ये नुस्खा वरदान है। अब ये 50 ग्राम खरबूजे के बीज यानी कि मगज के बीज आपको मिक्सी में डालने हैं और इनको भी पीसकर बढ़िया पाउडर बना लेना है। ये देखिए, ये पाउडर ऐसा दिखाई देगा। अब आपको लास्ट चीज इस नुस्खे में जो लेनी है वो है काली मिर्च। आयुर्वेद के ग्रंथों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि काली मिर्च आंखों की रोशनी तेज करती है, धुंधला दिखने की प्रॉब्लम को पूरी तरह ठीक करती है, आंखों में जाला नहीं पड़ने देती, मतलब कि मोतियाबिंद नहीं आने देती, इसलिए इस नुस्खे को काली मिर्च और भी ज्यादा पावरफुल बना देने वाली है। लेकिन इस नुस्खे में हम काली मिर्च लेंगे कितनी, तो दोस्तों हमको चाहिए सिर्फ 20 साबुत काली मिर्च। आजकल सभी लोगों को ड्राई आईज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहने लगी है क्योंकि एक तो टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक है। दूसरा ये कि जब हम टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह देख रहे होते हैं तो इतने कंसंट्रेशन से देखते हैं कि पलक बहुत देर में झपकती है। इसके कारण आंखों के अंदर की नमी सूखने लगती है और धीरे धीरे आंखों की नसें डैमेज होकर अंधापन आने लगता है। काली मिर्च इस ड्राई आईज की प्रॉब्लम को भी ठीक करती है। तो ये साबुत 20 काली मिर्च का हम क्या करेंगे, एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें ये काली मिर्च डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ऐसे सूखी ही सेकेंगे। आजकल बढ़ती एज के साथ आंखों में काला पानी आने की प्रॉब्लम भी बहुत होने लगी है। इसके अलावा धूप में निकलने पर रंगीन गोले दिखना,
आंखें बंद करने पर काले धब्बे दिखना, ये प्रॉब्लम्स भी अब बहुत ज्यादा होने लगी हैं। काली मिर्च इन सारी प्रॉब्लम्स को भी ठीक करती है। हमारी काली मिर्च थोड़ी सी भुन गई है, इसका नेचुरल ऑयल एक्टिवेट हो गया है, तो अब हम इसको गैस से उतार लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसको ओखली में कूटकर या फिर मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए। तो अब सारी चीजें हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। ये है हमारा बादाम का पाउडर, ये है सौंफ का पाउडर, ये है मगज का पाउडर और ये है काली मिर्च का पाउडर। अब करना ये है कि एक प्याले में हमको इन सब चीजों को डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब इसमें ऐड करनी है धागा मिश्री, लेकिन ये ऐसे साबुत तो नहीं जाएगी इसमें, तो हम यूज करेंगे धागा मिश्री को पीस कर पाउडर बनाकर। और ये मैंने लिया कितना है, तो ये है 50 ग्राम। और अब इस सबकी मिक्सिंग हो गई है एक बढ़िया, तो बस इसको आप एक एयर टाइट जार में भरकर रख लीजिए। अब आयुर्वेद में इसको खाने का जो तरीका बताया है वो देखिए, आपको ये मिक्सचर एक बार में 10 ग्राम लेना है, मतलब कि खाना खाने वाली 2 चम्मच भरकर आपको ये मिक्सचर एक बार में खाना है और फिर ऊपर से 1 कप हल्का गर्म दूध पीना है। देसी गाय का दूध आंखों के लिए अमृत का काम करता है, इसलिए अगर देसी गाय का दूध मिल जाए तो बेस्ट है। आयुर्वेद में बताया गया है कि ये आपको 40 दिन तक डेली खाना चाहिए, फिर 10 दिन के लिए बंद कर देना चाहिए, फिर 40 दिन तक खाना चाहिए, फिर 10 दिन बंद कर देना चाहिए। इस तरह आप इसको चाहें जब तक कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट करने वाली कोई चीज इसमें नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह अपनी आंखों को हर तरह की बीमारी से बचाए रखने और आंखों की रोशनी तेज करके हमेशा के लिए चश्मा हटा देने वाले इस नुस्खे को आज ही बनाइए, खाइए और एकदम हैप्पी और हेल्दी लाइफ का मजा लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।